नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। दोस्तों, कार्यक्रम का नाम भी है तो सरोकार भी सीधे सीधे देश से है, वो आम जनता से है, जनता के मुद्दों से है। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है वो है वादों की राजनीति। दोस्तों, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से राजनीति के कई चरण रहे, वादों के कई चरण रहे। अलग अलग वादे अलग अलग चुनाव में नेताओं द्वारा जनता को दिए गए, पर पुराने समय में जो वादे होते थे वो महज रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित होते थे, पर आज के वादे तकनीकी स्तर पे अपग्रेड हो चुके हैं, बदल चुके हैं। अब जनता को ऐसे वादे दिए जाते हैं कि जनता के जो मुख्य मुद्दे हैं उन वादों की चकाचौंध में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अब जनता को लैपटॉप भी दिया जाता है, स्कूटी भी दी जाती है, और साथ ही साथ तमाम बहुत तकनीकी सुविधाएं दी जाती हैं कि जनता देखे कि क्या क्या उनको दिया जा रहा है। पर इन मुद्दों के बीच जनता के जो आम मुद्दे हैं उनका क्या? आम मुद्दे, चाहे वो बेरोजगारी से जुड़ा हो, चाहे महंगाई से जुड़ा हो, चाहे सुरक्षा से जुड़ा हो, चाहे इंफ्रा से जुड़ा हो, चाहे सड़क से जुड़ा हो, चाहे रोजगार से जुड़ा हो, ऐसे तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका इन वादों से कोई लेना देना नहीं है। आज के वादे केवल और केवल उस राजनीति का पहलू बन चुके हैं कि केवल केवल सत्ता में आना है, जनता के मुद्दे की सुनवाई यहां कुछ नहीं। ना ही कोई रोड मैप है और ना कोई व्यवस्था है और ना कोई ऐसी क्रियान्वयन योजना है जिसके द्वारा हम आम जनता को एक बेहतर कल दे सकते हैं। पर यहां पर दर दर साल नए वादे, नया चुनाव, नया वादा, नई प्रतिक्रिया, नया सपना यहां जनता को दिखाया जाता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन जनताओं के मुद्दों का, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनको हल कब होगा? यह आज तक एक यक्ष प्रश्न है जो हमारे देश की जनता में, मन में हमेशा गूंजता रहता है कि कब जनता के मुद्दों की बात होगी, कब उन मुद्दों को बढ़ा दिया जाएगा जिसकी जरूरत आज आम देश की जनता को है। क्यों बाधे नहीं किए जाते स्वास्थ्य सुविधाओं पर? क्यों बाधे नहीं किए जाते इंफ्रा पर? क्यों बाधे नहीं किए जाते सड़क पर? क्यों बाधे नहीं किए जाते रोजगार पर? क्यों बाधे नहीं किए जाते जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं? कोई बाधा नहीं, केवल होता है तो लुभावना सपना जो आम जनता को दिखाया जाता है, उसमें कोई दल पीछे नहीं है। मेरा कटाक्ष केवल एक दल पर नहीं, मेरा प्रश्न हर उस दल से है जो केवल वादे करता है पर उन वादों में कितने वादे पूरे हुए ये कोई बताना नहीं चाहता। अपना अपना रिपोर्ट कार्ड सब पेश करते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, पर जनता से रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं पूछना चाहता कि मंत्री या विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा। तो जनता से केवल रिपोर्ट कार्ड पूछने की क्षमता और नैतिक जिम्मेदारी केवल और केवल पत्रकारों की होती है, मीडिया की होती है, और वो मीडिया वो जिम्मेदारी निभा रहा है। पर मीडिया चुनाव नहीं लड़ता है, मीडिया वादा नहीं करता है, मीडिया केवल ये बताता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ, कहां तक कैसे किया जाएगा। बस देखिए मेरे की रिपोर्ट। वादा एक ऐसा शब्द है जिससे हो भले कुछ ना, पर एक उम्मीद और एक आस जरूर जुड़ जाती है। पर अगर इस शब्द का एक चिरंजीवी अर्थ समझना हो तो इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सेवक या यूं कहें कि राजनीतिज्ञ होना होगा। इसको चिरंजीवी इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे देश में वादे इसी तरह से किए जाते हैं जो लगातार कई दशकों से तो हो रहे हैं, पर अब तक उन पर कोई भी काम नहीं किया गया। और अगर किया भी गया है तो केवल नाम का, इसलिए वो वादे आज भी जीवंत है, इसीलिए इनको चिरंजीवी कहने में कोई संकोच नहीं है।
राजनीति में अगर वादों की बात की जाए तो यहाँ वादे बहुत किए जाते हैं, पर धरातल पर उतरते बहुत कम ही हैं, क्योंकि आम जनता तो केवल नाम की ही जनार्दन है, यहाँ केवल नेताओं का ही राज चलता है। वहीं अगर कोई कोर कसर बाकी भी रह जाती है तो उस कसर को ऊंची मलाईदार कुर्सियों पर बैठे अधिकारी पूरी कर देते हैं। अगर वादों की बात हो ही रही है तो चलिए आपको कुछ पुराने वादे याद दिला दिए जाएं। सबसे पहले हमारे देश में चुनाव रोटी कपड़ा और मकान पर ही लड़ा जाता था, पर जैसे जैसे तकनीक बढ़ती गई वैसे वैसे इन वादों की व्यापकता भी बढ़ने लग गई। और इन वादों में तकनीक के नए नए पंख लगने शुरू हो गए। फिर इन वादों में सस्ता लोन, किसान सुविधाएं, कर्ज माफी, व्यापार में सहयोग, कम महंगाई दर, कन्या विवाह, सहायता भत्ता या राशि और बेहतर विकास के वादों के साथ साथ तमाम वादे किए गए। उसके बाद इन वादों में और तकनीक को शामिल किया गया, जिसमें पुराने वादों के साथ साथ अब लैपटॉप, साइकिल, गैस सिलेंडर, साड़ी और तमाम तरह के भत्तों की खुशनुमा चादर से जनता को ढकने की कोशिश की जा रही है। और फिर ये वादे और बेहतर हो गए, इनमें कई तरह की घोषणाएं, योजनाएं, कन्या विवाह, शौचालय, मुफ्त आवास के साथ साथ तमाम तरह की सब्सिडी को भी जोड़ दिया गया। तो अब इन वादों में पुरानी योजनाओं के साथ साथ मुफ्त की व्यवस्थाएं भी जोड़ दी गई हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्कूटी और मुफ्त बिजली, मुफ्त आवास और चुनाव तक आते आते क्या ही दे डाले, अब इसके बारे में भी जनता के बीच सवाल खड़े होने लग गए हैं। वादे तो तमाम कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं बताता कि लैपटॉप के लिए बिजली कहाँ से आएगी, स्कूटी के लिए ईंधन कहाँ से मिलेगा, बेरोजगारी पर लगाम कैसे लगेगी, सड़कों को बेहतर कैसे किया जाएगा, दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। और बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी इस पर भी कोई भी राजनीतिज्ञ बात नहीं करता। राजनीतिक पार्टियां केवल और केवल वादे करती हैं, पर वो वादे पूरे कैसे होंगे, उसका रोड मैप कौन बनाएगा, कैसे जनता के मुद्दों का हल ढूंढा जाएगा, जैसे स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो सकेगा या नहीं, आज भी ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इन लुभावने वादों से आप जनता को केवल कुछ समय के लिए आस और उम्मीद दे सकते हैं, पर आगे आने वाले वक्त में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी अधिकारी या कोई भी राजनीतिक नेता सामने नहीं आता है। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, इनमें भी वादों की झड़ी सी लग गई है, पर कोई जनता के उन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहता जो दशकों से आज भी अमर है। पर इस बार उम्मीद है कि कोई तो दल साहस दिखाएगा कि इन अमर हुए दावों को भी उनके अंतिम परिणाम पर पहुंचाया जा सके, तभी हमारे देश के लोग भी खुश होंगे, उन्नत होंगे और देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से रैलियां होती हैं, आम जनसभाएं होती हैं, और तमाम ऐसी बात होती है कि जिसका सरोकार जनता से है, पर जनता तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं कि या नहीं पहुंचती हैं, इसकी समीक्षा कोई दल नहीं करता। बेरोजगारी की बात करें तो तमाम तरह की नौकरियों की बात की जाती है कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतना ऐसा करेंगे,
इतनी व्यवस्थाएं की जाएंगी, पर क्या कोई उनकी समीक्षा करेगा कि आपने कितनी नौकरियां दी, कितनी व्यवस्थाएं की, कितने आपने एमएसएमई लगाए, कितनी औद्योगिक इकाइयां लगाई, कितने लोगों को रोजगार मिला, प्राइवेटकरण में किसको लाभ मिला, किसको नुकसान हुआ, कुछ नहीं पता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश की जनता जो पहले थी वो आज भी है। आज भी देश में तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसी जनजाति है, तमाम ऐसे लोग हैं जो विकास के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? क्या जिम्मेदार केवल जनता है? इसकी जिम्मेदार जनता नहीं है, इसकी जिम्मेदार वो राजनीतिक दल है, वो लोग हैं जो शासन की ऊंची कुर्सियों पर बैठ के केवल योजना बनाते हैं, उससे लाभार्थी कौन हो रहा है उनको पता ही नहीं है। चाहे किसान की बात करें, चाहे नौजवान की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे अन्य ऐसे तमाम व्यवसाय है, तमाम योजनाएं हैं, किसी की कोई कोई जानकारी नहीं है कि कौन उस योजना से लाभार्थी हो रहा है। अगर कोई लाभार्थी हुआ है तो वो पात्र था या नहीं था, या किसी अपात्र को वो योजना तो नहीं दे दी गई। क्या केवल मेरा, क्या केवल दलों का उद्देश्य केवल यह होता है कि हम केवल रोटी दे दें, केवल अनाज दे दें? नहीं, दल का उद्देश्य, जो देश की सरकार है उसका उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि उनको राशन के अलावा भी ऐसी व्यवस्थाएं दी जाए कि वे स्वयं आगे बढ़कर विकास की धारा में आ सकें और लोगों को उस लिए प्रेरित कर सकें, और साथ ही साथ अगर भविष्य में वो इस लायक बन सकें कि उनको ना किसी के मुफ्त की राशन की आवश्यकता पड़े, ना मुफ्त की व्यवस्था की आवश्यकता पड़े, ना किसी सब्सिडी की आवश्यकता पड़े। मेरा मानना यह है कि सब्सिडी जैसी तमाम योजनाओं को लेके आप अगर आम जनता को दे रहे हैं तो केवल केवल उनको एक प्रकार से उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि अगर आप बस व्यवस्था नहीं है तो आप ले लीजिए। पर उनको इस संकल्प के साथ कौन जिंदा करेगा, उनको इस संकल्प के साथ कौन मजबूत करेगा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको देश की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, आपको देश की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं कमाने में सक्षम हैं, आप स्वयं उद्योग लगा सकते हैं, आप स्वयं अपनी रोजगार दे सकते हैं, आपको रोजगार की लेने की जरूरत नहीं है, आप रोजगार देने वाले बन सकते हैं। पर ऐसा रोड मैप तैयार कौन करेगा? यह आज तक यक्ष प्रश्न है। दोस्तों हमेशा देखा जाता है रैलियों में तमाम वादे होते हैं, स्कूटी दी जाएगी, स्कूटी किस पर चलेगी, सड़कें, ईंधन, कोई पता नहीं, कोई रोड मैप नहीं। बिजली मुफ्त दी जाएगी, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली दी 300 यूनिट तक, अब वही यूनिट वही मुफ्त बिजली की राजनीति लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं। इनको पता है ये मुफ्त की जो बिजली है कहाँ से देंगे, कहाँ से जो विभाग फिलहाल घाटे में चल रहा है उसके द्वारा मुफ्त की बिजली कैसे दी जा सकेगी, कोई रोड मैप नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वादे करते हैं उसका रोड मैप तो बताना चाहिए कि ये रोड मैप क्या है, अगर आप मुफ्त की बिजली देंगे तो कैसे देंगे, किस व्यवस्थाओं से सरकार में आएंगे, क्या जनता को लाभ मिलेगा। अगर जनता को मुफ्त की आप बिजली देंगे तो उसको उसकी वसूली भी आम जनता ही से ही करेंगे, पर यह बात हमेशा ही अप्रत्यक्ष रूप होती है, ये दिखाई नहीं देती है, पर इसका वसूली हमेशा से आम जनता से भी होती है और उसी से होती आई है। जनता केवल कर देने के लिए बनी है, जनता नहीं पूछ, जनता को हमेशा ये बताया जाता है कि आपको ये दिया गया, पर इसको जनता को यह भी मालूम होता है कि हमारी ही गाड़ी कमाई के दिए गए कर से मिला है। मेरा पूछना केवल उन राजनीतिक दलों से है जो केवल वादे करते हैं और वादों की समीक्षा कोई करेगा? एक मैनिफेस्टो, चुनावी मैनिफेस्टो लागू कर दिया जाता है, जारी कर देता है घोषणा पत्र कि ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है, ये हम अपने लोगों के लिए दे रहे हैं, जनता के लिए दे रहे हैं, पर उन घोषणा पत्र में यह कोई नहीं बताता है कि अगर पिछली सरकार हमारी थी तो हमने कितना काम किया। कांग्रेस भी बताए ना कि राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, कितना काम हुआ है, क्या चुनावी मैनिफेस्टो था, कितनी योजनाओं पे काम किया, क्या समीक्षा आई, क्या रोड मैप है, कितने लोगों राज्य यानी नौकरी दी गई, कितने लोग उनकी योजनाओं से लाभान्वित हुए, बताएंगे? नहीं। हर राज्य के चुनाव के लिए अलग एजेंडा, हर राज्य के चुनाव के लिए अलग घोषणा पत्र कि यहां स्कूटी देंगे, यहां व्यवस्था देंगे, यहां 40% महिला को सीट देंगे, एक नया चुनावी एजेंडा लेके आ रहे। जहां पर राज्य कर रहे हो, जहां पर आपकी सरकार है, वहां का भी तो, वहां की योजना तो बताइए कि आपने वहां क्या काम किया, तब तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको समझेगी, सोचेगी कि हाँ आपने बेहतर किया। तो कम से कम अपनी उन सरकारों का कुछ लेखा जोखा भी तो सामने लाए जनता के, कि केवल उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त की राजनीति करना सिखाएंगे। केजरीवाल जी से भी मेरा सवाल रहेगा कि वो भी तो बताएं कि अगर मुफ्त बिजली दिल्ली में दी है तो उत्तर प्रदेश में कैसे देंगे,
दिल्ली की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी, जमीन आसमान का अंतर है। कैसे मैनेज करेंगे? क्या व्यवस्था बनाई है? ओमिक्रॉन आ चुका है, कैसे व्यवस्था बनाएंगे? स्वास्थ्य सेवा को कैसे बेहतर करेंगे? ये कोई बताएगा? केवल चुनावी घोषणा पत्र पर काम हो रहा है, रैलियां हो रही है, जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जनता के मुद्दे रोटी कपड़ा और मकान आज भी अमर हैं, आज भी जीवंत हैं, क्योंकि उन पर काम ही नहीं किया गया। केवल तकनीक की विचारधारा को लागू करके वो मुद्दे दिए गए कि जिनका सरोकार आम जनता से कहीं दूर दूर तक भी नहीं है। स्मार्टफोन देंगे, लैपटॉप देंगे, चलाएंगे कैसे? उसका बिजली कहाँ से आएगी? और गांव में बिजली व्यवस्था कितने घंटे है, वो चार्ज कैसे होंगे? ऐसा रोड मैप किसी के पास नहीं है। बातें होती हैं कि बिजली 18 घंटे आ रही, 20 घंटे आ रही है, 16 घंटे आ रही है, 24 घंटे आ रही है। ये सबको पता है जो गांव में निवास करता है। देश की 60% आबादी गांव में निवास करती है, उनको बेहतर पता होता है कि कितनी बिजली आ रही है, कितने पानी आ रहा है और कितनी व्यवस्थाएं सरकार की हमको मिल रही है। पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक इन योजनाओं की, इन व्यवस्थाओं की, इन दावों की, इन घोषणा पत्रों की समीक्षा नहीं होगी, तब तक वही रहेगा मामला ढाक के तीन पात जो अब तक होता आया है। मैं मानता हूं बड़े प्रदेशों में सारे वादों को पूरा करना आसान नहीं है, पर मैं, मेरा मानना यह है कम से कम 5 वादे तो ऐसे हों जो 5 साल में पूरे हो सके। अगर हर एक वादे को 1 साल में पूरा करने की जैमर उठाई जाए तो 5 वादे ऐसे होंगे जो पूरे हो सकेंगे, जिनको चिरंजीवी करने से, उनको जीवन हटाने से रोका जा सके, उनको अमर नहीं होने दिया जाएगा, उनके उनके परिणाम तक रोका जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जो भी राजनीतिक दल है वो ऐसे वादे करे, चुनावी घोषणा ऐसी करे कि कम से कम अगर कि 5 वादे भी ऐसे रहो जो 5 साल में पूरे हो पाए। उन वादों के साथ, उन घोषणा पत्रों के साथ आप चुनाव में आए, आप वादों की लड़ी मत लड़ाएं, आप वादों की श्रृंखला मत बनाएं, आप मन लुभावने, लोक लुभावने वादे मत दें। आप उन वादों की बात करें जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे रोटी की बात हो, चाहे इंफ्रा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे तकनीक की बात हो। ऐसे वादों के साथ जनता के बीच जाए जिनका सीधा सरोकार आम जनता से है, तभी जनता को लगेगा कि हाँ, जो वादे हमारे दशकों पहले अमर होते चले आ रहे थे, आज वो वादे उनके परिणाम तक पहुंच चुके हैं। पर इन परिणामों पर उन तक कौन पहुंचाएगा, इसका भी सीधा सीधा संबंध देश की सरकार से है और अन्य उन राजनीतिक दलों से है जो अलग अलग चुनाव में अलग अलग व्यवस्थाओं और घोषणा पत्र के साथ जा रहे हैं। 2022 में 5 विधानसभा चुनावों में, और उन 5ों विधानसभा चुनाव के जो लड़ने वाले दल हैं उनसे मेरा निवेदन है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, केवल वही मुद्दे लेकर जनता के बीच जाए जिन मुद्दों को पूरा करने की क्षमता आपकी सरकार में हो, आपके दल में हो, और आपकी विभिषिका में हो, आपके विचारधारा में हो। अन्यथा ऐसे कोई मुद्दे के साथ जनता के बीच ना जाए कि जनता को केवल और केवल छल दिखाई दे। तो आज की इस टॉपिक में, आज के विषय में हमने बात की केवल वादों की। तो दोस्तों, वादा केवल वादा होता है, एक उम्मीद होती है, एक आस होती है आम जनता को देश की सरकारों से, देश के राजनीतिक दलों से। अब राजनीतिक दल उस वादों को कितना पूरा करते हैं ये आने वाले 2022 के चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा, और उसके अगले 5 साल बाद यही पता चल जाएगा कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए। अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।